हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे, चलो अच्छी बात है। आज बच्चों हमें स्टार्ट करना है क्लास 11th न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारा चल रहा था। आज हम आपको एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है सर? फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं FBD। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा बता दूं, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग आलसी होते हो, तुम्हें लिंक मिल जाए उस पर क्लिक करना तुम्हें मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि तुम टाइप करो, टाइप करोगे तो अच्छा लगता है थोड़ा, उससे वीडियो देखो कितने नंबर पे आ रही, तुम्हारा टीचर जो मेहनत कर रहा है उसका क्या है, टाइप करोगे तो ठीक रहता है थोड़ा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? इसका क्या है सिस्टम? क्या है? कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल सा सिस्टम है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, सारे फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं उनको शो कर देते हैं, उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। सिंपल है, बात ख़त्म हो गई। इतना सा लेक्चर था ये, ठीक है, इतना सा नहीं था, अभी तो बहुत है, आगे आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा? जैसे अगर हमें कोई भी एक सिस्टम दिया है, सिस्टम का मतलब समझते हो, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रखे हों, कनेक्टेड हों स्ट्रिंग से, स्प्रिंग से, आपस में या कैसे भी करके, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा है कि हमें उस सिस्टम से सब सिस्टम बनाना है। क्या मैंने बोला? हमें उस सिस्टम से सब सिस्टम बनाना है। सब सिस्टम का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई डायग्राम है और उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, इनके मासेस M1, M2, M3, ये इनके मासेस हैं। आपसे बोला गया कि M2 का FBD बनाओ, तो आप M2 को अलग निकाल लेंगे, ये M2 हो गया। अब M2 पे जितने भी फोर्सेस लग रहे, M3 लगा रहा, M1 लगा रहा या और कोई लगा रहा, जो भी लगा रहा हो, तो इस पे सारे फोर्सेस हमें शो करना है। बस ये होता है FBD का काम, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? ड्रॉ सब सिस्टम या मेक सब सिस्टम फ्रॉम द गिवन सिस्टम, फ्रॉम द गिवन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे, क्या दिक्कत है? जैसे हमें कोई एक सिस्टम दिया, उससे हमने एक सब सिस्टम बना लिया, जिसका हमें FBD बनाना है उसको हमने अलग से निकाल के रख दिया। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, क्लियर हो गया? ओके, अब क्या करना है? सेकेंड स्टेप, ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट, ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होता है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं आता और एक्सटर्नल फोर्स भी होता है? ऐसा कौन सा फोर्स है? सोचो, ऐसा फोर्स होता है वेट। वेट कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डस्टर है, ऐसे रखा हुआ है, मान लो एक सरफेस पे ऐसे रखा है, ठीक है। तो ये डस्टर का मास अगर m है, तो जब ये ऐसे हाथ पे रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट में है, तभी इस पे mg लगेगा क्या? नहीं, इस पे mg तो हमेशा लग रहा है। ये चाहे हवा में हो, चाहे इधर जा रहा हो, चाहे उधर जा रहा हो, चाहे सीधा जा रहा हो, चाहे ये रेस्ट में हो, चाहे ये कहीं रखा हो, चाहे ये हवा में सिर्फ टंगा हो, इस पे लेकिन वेट तो हमेशा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो क्या कहेंगे? दैट इज जनरली, दैट इज वेट, जनरली दैट इज वेट। कौन सा फोर्स होता है? वेट होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप आएगा वो कौन सा होगा? स्टेप थर्ड,
स्टेप थर्ड है हमारा, कौन सा है? अब वेट जो हमने ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद अब हमारे पास जो भी बाकी के फोर्सेस बचे हुए हैं, अब हमें उनको ड्रॉ करना है, जैसे टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स एट्सेट्रा, जो भी हो, स्प्रिंग फोर्स, जो भी हो फोर्सेस, ठीक है? नाउ ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टेंशन फोर्स हुआ और नॉर्मल फोर्स हुआ, नॉर्मल फोर्स तो कॉन्टैक्ट की वजह से ही आता है, एट्सेट्रा और जो भी हो। तो ये तीन स्टेप हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री तो जानते हो, बॉडी होता है ऑब्जेक्ट, डायग्राम मतलब उसमें जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे हमें ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम, आपसे बोला गया है फलानी चीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं कहीं से भी, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी, इंटरनल तो नहीं करते खैर, एक्सटर्नल जो भी फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं वो सब उसमें शो करना है, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलो इतना नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें जल्दी फटक से। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना? नोट्स अच्छे से बनाते रहना, अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते रहो, सब एकदम अच्छा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हो गया इतना? हो गया इतना, देख लो जल्दी से। अब कराते हैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कि हमें एक्चुअल में इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है। देखो, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एप्लीकेशन, किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन, किसी भी टॉपिक का एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं, जैसे क्रिकेट है तो मोस्टली देखा जाए तो सारे लोगों का ही फेवरेट होता है लगभग। ठीक है, क्रिकेट के रूल्स सबको पता होते हैं, वाइड बॉल का मतलब क्या है, नो बॉल का मतलब क्या है, सिक्स कब मानते हैं, फोर कब मानते हैं, LBW क्या है, कैच आउट क्या है, ये सारी चीज़ें सबको पता है, कब कैच आउट होगा, कब LBW, ये सब सबको रूल्स पता होते हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जिस बंदे को रूल पता है वो क्रिकेट खेलना भी अच्छे से जानता होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, है क्या ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ रूल याद करने से कुछ नहीं होता जब तक हम उन रूल्स को अप्लाई ना करें। अब जैसे देखा जाए, अपने इंडिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जांपल समझ लो। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, क्या वो रूल नहीं जानते या वो खेलना नहीं जानते? जब टीम इंडिया में वो खेलना तो जानते हैं, लेकिन क्या वो कभी प्रैक्टिस अपनी बंद करते हैं? कभी नहीं। आप विराट कोहली को ले लो, धोनी को ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी आपको जो आपके लिए अच्छे हो, आपको जो पसंद हो वो ले लो। ठीक है, विराट कोहली को ले लो, कितना बढ़िया क्रिकेटर है, अच्छा खेलते कि नहीं खेलते, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि वो प्रैक्टिस ना कर रहे हो? बोले अरे मुझे तो आता है, मैं तो खेल लेता हूँ, लेकिन तब भी वो प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके खेल में और सुधार आएगा, और चीज़ें नई नई आएंगी निकल के। तो वही काम आप लोगों को करना है, रूल्स बता दिए, अब बिना एप्लीकेशन के काम तो होगा नहीं, इनको अप्लाई कैसे करना है वो मेन है। ये रूल तो आप लोग याद कर लोगे, अप्लाई इसको कैसे करना है वो समझो। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनता कैसे है। बस आप लोग इनको याद रखना है, स्टेप्स को। अभी मैं एक दो क्वेश्चंस के लिए इन स्टेप्स को मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, यहीं बताता रहूँगा। चलो यहाँ साइड में देखते हैं, जैसे हमारा पहला है एक, ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस पर एक सिंपल सा, बिल्कुल सरल सा है, एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इस ग्राउंड का भी। अब आप पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पहले सोचो इसको कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी है। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि सर यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ब्लॉक तो रखा है, नहीं, वो ब्लॉक जिसके साथ कॉन्टैक्ट में है ना वो भी तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को टोटल कितने हो गए, दो। कौन कौन से? एक तो ब्लॉक और दूसरा ग्राउंड, जहाँ पे वो ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए बच्चों, दो। ठीक है, हमें यहाँ दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्लॉक का, जो एम मास का हमारे पास ब्लॉक है। तो चलो देखते हैं, FBD ऑफ ब्लॉक,
एफ वी डी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास m, समझना। अब मैंने बताया था सबसे पहले मेक सब सिस्टम फ्रॉम द गिवन सिस्टम, ये हमारा गिवन सिस्टम था, ये हमारा गिवन सिस्टम था, और ये है हमारा सब सिस्टम। ये हमारा क्या है, सब सिस्टम है। ये है हमारा गिवन सिस्टम, ये हमारा सब सिस्टम। पहला स्टेप फॉलो हो गया कम्प्लीटली, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्स जनरली दैट इज वेट। अब हमें इस पर बनाना है वेट, और आपको मैंने बताया हुआ था सेकेंड लेक्चर में, जो उसके पहले वाला जो लेक्चर आया था हमारा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स काम करता है। ऑब्जेक्ट किसी भी शेप और साइज की हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में रखी हो, कैसे भी रखी हो, एंगल पे रखी है, वेज पे रखी, इंक्लाइन प्लेन पे रखी, प्लेन सरफेस पे रखी, या कहीं भी रखी हो, हवा में टंगी, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड काम करेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, वो कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, ऑब्वियस सी बात है, मास इंटू ग्रेविटी, ये वेट हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप हो गया फॉलो। थर्ड स्टेप क्या है, ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमें इस ऑब्जेक्ट पे बनाना है कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में थी, ये ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक है वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में था, तो ग्राउंड ने इस पर कोई ना कोई कॉन्टैक्ट फोर्स तो लगाया होगा। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बताई थी आपको, अवे द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द रोप, वैसे ही नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। लिख दें, कहीं लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स क्या होती है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ये डायरेक्शन होता है किसका, नॉर्मल फोर्स का, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ऑब्वियस ही बात है, इस ब्लॉक का और इस ग्राउंड का कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा हुआ, ये वाला है, नीचे ही से तो है कॉन्टैक्ट में, तो इसका परपेंडिकुलर ये लग गया, ये हो गया नॉर्मल। अब ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा सर परपेंडिकुलर तो ऊपर आपने बनाया, नीचे भी तो हो सकता है, अरे यार ये जो ग्राउंड है वो इस पर नॉर्मल ऊपर ही तो लगाएगा, नीचे कैसे लगा देगा, समझ रहे हो। तो ये होता है इसका एफ बी डी। अब इसमें कोई और तो फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, कोई टेंशन फोर्स है नहीं, या कुछ और है नहीं, जितने फोर्स थे हमने अप्लाई कर दिए, हो गया हमारा काम, ठीक है। लेकिन अब सुनो, अब बात आती है किसकी, एफ बी डी ऑफ ग्राउंड। तो भाई ये ग्राउंड है, ठीक है। एक चीज़ और सुन लो, जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। लिख दें, कहाँ लिखें यार, यहाँ लिख देते हैं, चलो, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब एफ वन टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन वैक्टर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में एफ वन टू इज इक्वल टू एफ टू वन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। बताओ भाई कोई दिक्कत है, ओके। तो एफ बी डी हमें ग्राउंड का जैसे बनाना है, देखो ग्राउंड ने ब्लॉक पे एफ बी डी लगा फोर्स लगाया था ऊपर नॉर्मल, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो कर रहा है तो ये ब्लॉक ग्राउंड पे जो नॉर्मल लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, नीचे, अमाउंट दोनों का सेम रहेगा, तो इस पे ये लग गया नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ, बन गया, तैयार हो गया हमारा एफ बी डी। इतना आप लोग नोट करो, डाउट है तो कमेंट करो फटाक से। बताओ भाई क्या समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही, जो भी है अपना बताएं, क्लियर करें, बोलो है कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पार्टी, आप लोग एक चीज़ को सुन लो,
ये जो टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, ये एक्चुअल में क्या है कि पता बहुत सिंपल सा है। हाँ सर पता था, आप यही बोलोगे। चलो हटाते हैं इसको। तो आप स्टेप को फॉलो करना समझ गए कैसे करना है, ठीक है। और इस चीज़ को याद रखेंगे, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन, और नॉर्मल फोर्स जो है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये ग्राउंड है, ये मान लो M1 है, इसके ऊपर रखा हुआ है एक M2। ड्रॉ FBD ऑफ M1 M2 एंड ग्राउंड। चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, ट्राई करें इसको। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप लोग करो इसको टेराई। क्या करो इसको टेराई, बताओ टेराई करके कितना आएगा, क्या आएगा। तो हो गया होगा आप लोगों का ये। चलो तो पहला स्टेप क्या है, हमें सब सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे M2 को, ऊपर से निपटाएंगे, ठीक है। तो ये बना लिया हम लोगों ने, M2 बन गया। अब आगे क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ, फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इस पे लगेगा वेट, नीचे लग गया वेट, ओके। अब M1 के साथ M2 कांटेक्ट में है, M2 किसके साथ कांटेक्ट में है, M1 के साथ। तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा M2 पे, वो कौन लगाएगा, M1 ऊपर की डायरेक्शन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो नॉर्मल है वो किस पे लगा, 2 पे, किसने लगाया, 1 ने। तो इसको हम क्या लिखेंगे, N2 1। कोई दिक्कत है। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें, ये जो नॉर्मल है वो किसने लगाया, ग्राउंड ने। किस पे लगा, मास पे, किसने लगाया था, ग्राउंड ने, ठीक है। और ये GM, ये ग्राउंड पे लगा, M ने लगाया। ऐसे यहाँ पे 2 पे लगा, 1 ने लगाया। M2 तो हो गया, ख़त्म हो गया, M2 का FBD तो कंप्लीट हो चुका है। हम बात करते हैं अब M1 की। तो M1 पे सबसे पहला काम हमारा रहेगा वेट, M1G, ओके। आप क्या करना है बताओ भाई। अब देखो M1 जो है वो कितनी जगह से कांटेक्ट में है। देखो जितने कांटेक्ट सरफेस उतने नॉर्मल फोर्स, कंफर्म है ये बात, श्योर है बिल्कुल। जितनी कांटेक्ट सरफेस उतने नॉर्मल फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे M1 जो है वो 2 जगह से कांटेक्ट में है, एक तो ऊपर M2 के साथ और एक नीचे ग्राउंड के साथ। तो बताओ पहले तो M1 पे M2 लगाएगा फोर्स, डायरेक्शन कहाँ रहेगी उसकी, नीचे की तरफ। तो चलो यहाँ लिख देते हैं N12। अब की बार ये N12 का मतलब 1 पे लगा नॉर्मल फोर्स, किसने लगाया, 2 ने। देखो N12 और N21 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो ठीक है। अब M1 ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स लगाया ग्राउंड ने 1 पे। तो नॉर्मल ये लगा है 1 पे, किसने लगाया, ग्राउंड ने। तो N1G, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड ने M1 पे जितना नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया, M1 ग्राउंड पे उतना ही नॉर्मल फोर्स नीचे लगाएगा, नीचे की तरफ। कितना, ये किस पे लगा, ग्राउंड पे, किसने लगाया, 1 ने लगाया, NG1। लो FBD तैयार है। कोई दिक्कत आ रही बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये सिंपल सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल कौन सा आएगा, देखते हैं। इसको हटा दें, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। देखो याद करने वाले कितने लोग हैं। चल देखो अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। जैसे ये है सीलिंग, छत, ठीक है। इस पे लगा एक रोप, इस पे कनेक्टेड है एक ब्लॉक M1 मास का, एक और रोप, एक और ब्लॉक M2 मास का। हमें सब का FBD बनाना है, बताओ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम किसका FBD बनाएंगे, M2 का बनाएंगे, M2 का। तो M2 ब्लॉक का हम FBD ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेट M2 जी। अब बच्चों M2 हवा में टंगा यार, हवा में
टंगा हुआ है, तो उस पर ग्राउंड के साथ तो कॉन्टैक्ट में है नहीं, तो इस पर नॉर्मल तो आएगा ही। नॉर्मल कब आता है? जब कॉन्टैक्ट सरफेस हो। यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग पे क्या लगता है? टेंशन फोर्स। तो M2 पे लगेगा टेंशन। मैंने बोला था अवे द ऑब्जेक्ट अलोंग द रोप। अवे द ऑब्जेक्ट तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन अलोंग द रोप, अलोंग द रोप तो ऊपर ही है, तो इस पर लग गया ये टेंशन T2 मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये फर्स्ट रोप है, ये सेकंड रोप है, दोनों रस्सियाँ अलग अलग हैं, तो सेकंड वाली रस्सी है तो T2 लगाएगी, पहली रस्सी T1 लगाएगी। क्या सर सेकंड वाली रस्सी सर T1 नहीं लगा सकती? अरे कुछ भी मान लो, मानना ही तो है T1 T2, ठीक है। चलो M2 कंप्लीट, नाउ M1। तो ये हो गया हमारा M1 ब्लॉक। अब बचाओ बताओ M1 पे सबसे पहला काम तो रहेगा M1G, वेट हो गया इसका, ओके। अच्छा ये टेंशन T2 है, ये जो रस्सी है सेकंड वाली, ये M1 और M2 दोनों से कनेक्टेड है, तो इस पे M1 पे T2 नीचे की तरफ भी लगेगा। देखो T2 ऑपोजिट हो गए दोनों, ओके। अब हम बात करेंगे M1 पे ऊपर वाली रस्सी की, तो ऊपर वाली रस्सी उस पे कितना लगाएगी? T1, सिंपल है। अब बात करते हैं सीलिंग की, तो ये तो M1 M2 के हो गए, अब ये देखो सीलिंग की बात हो रही, छत, तो सीलिंग पे टेंशन कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, कितना? T1। ये देखो T1 नीचे, T1 ऊपर, टनाटन T1 टनाटन, कोई दिक्कत है? देख लो, नोट करो, बताओ कोई समस्या आ रही है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी से बोलो। और हो गया, कोई दिक्कत आ रही क्या इतनी बात में? किसी को कोई समस्या है कमेंट करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको नोट करो तब तक आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बच्चों ये हो गया एक इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया एंगल थीटा, इस पे रखा हुआ है एक ब्लॉक जिसका मास है M1, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका खुद का मास है M2, और यहाँ पे हो गया ये ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, सबका एफबीडी बनाना है। चलो ड्रॉ करते हैं, करें ड्रॉ, आप ट्राई करेंगे, करना ट्राई, ठीक है। M1 का बनाते हैं, अब आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज मत कर देना ऑब्जेक्ट का, जैसे वो रखी है रखी वैसी रहेगी, बस उसका वेट तो हमेशा ही नीचे काम करना है, एम वन जी करना है, ओके। M1 जी इस पे वेट हो गया नीचे, अब M1 और M2 का कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, तो नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, कितना होगा? नॉर्मल किस पे लगा? वन पे। किसने लगाया? टू ने। क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत है? ये बन गया M1 का FBD, ठीक है। अब हम बात करेंगे M2 की, इसका वेट नीचे, कितना? M2 जी। फिर अब देखो M1 M2 कनेक्टेड थे, तो M2 ने M1 पे नॉर्मल लगाया ऊपर, तो M1 M2 पे नॉर्मल लगाएगा नीचे, यानी इस पे नॉर्मल लगेगा इधर, ये नॉर्मल किस पे लगा? टू पे। किसने लगाया? वन ने, कोई दिक्कत है? ग्राउंड के साथ भी ये कॉन्टेक्ट में है, ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर, ये नॉर्मल लगा टू पे, किसने लगाया? ग्राउंड ने, टू जी एंड टू जी, और ये सब एक ही पॉइंट से होके निकल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अभी जब वो अपन इन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, अभी तो सिर्फ डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, जब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा। अभी हो गया, अब हम बात करते हैं ग्राउंड की, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, बन गया ग्राउंड। तो ग्राउंड पे ये ग्राउंड हो गया हमारा, अब इस पे अगर हम बात करते हैं कि M2 के साथ ये ग्राउंड कॉन्टेक्ट में, तो ग्राउंड ने M2 पे नॉर्मल लगाया ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है M2 ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा नीचे, कितना? कितना नॉर्मल लगा ग्राउंड पे? लगाया टू ने, ये हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है इतनी बात में तो आप पे झिझक कमेंट करो और पूछो फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही तो बताओ, और नहीं आ रही तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है भाई।
हो गया था, है ना। तो बच्चों इस तरह से हम बहुत सारे FBD बना सकते हैं, ठीक है। और आगे का जो भी इस पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे। जैसे जैसे डायग्राम हमारे पास आते जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसमें मैं आपको FBD भी बनाऊंगा और फिर वहीं पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड को सॉल्व करेंगे, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द टेंशन, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक सब लोग पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।